हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम को आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग मेथड यूज़ करती हैं अपनी अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो टोटल कितने मेथड्स हैं? देखिए, टोटल तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो, वो तीनों हम यहाँ पढ़ेंगे। प्लस इंडिया कौन सा मेथड यूज़ करता है अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम मेथड। फर्स्ट मेथड जो आपका है वो है इनकम मेथड। इनकम क्या होता है, मतलब कहीं से भी जो आपको पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी से आपकी सारी की सारी इनकम आती है, ठीक है। तो इनकम मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम क्या ऑब्टेन करते हैं, टोटल इनकम अर्न बाय वर्किंग पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जो टोटल इनकम होती है उसे हम ऐड कर देते हैं और वो हो गई हमारी नेशनल इनकम, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया इस मेथड को यूज़ करता है? एंड तक अगर आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इस मेथड को यूज़ करता है या नहीं। फिर से बताती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनकी इनकम को पूरा का पूरा ऐड कर देते हैं, उससे फिर हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है, दो तरह के लोग आते हैं, वो लोग जो टैक्स को पे करते हैं प्लस वो लोग जो टैक्स को पे नहीं करते हैं, दोनों इसमें आते हैं। अब टैक्स पे करते हैं मतलब जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिनकी ज़्यादा इनकम होगी वही टैक्स पे करेंगे ना। मिडिल क्लास कहाँ से टैक्स पे करेगा जिनकी सैलरी बहुत कम है? हाँ, मिडिल क्लास तो करता है बट लोअर क्लास नहीं कर पाते। तो जो लोग टैक्स को पे करते हैं प्लस जो लोग टैक्स को पे नहीं करते हैं उनके भी पूरी की पूरी इनकम को ऐड करते हैं और उससे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इनकम मेथड। आपने सिंपल से याद रखना कि जो भी लोग पैसा कमाते हैं, इनकम जो भी उनकी सैलरी होती है, टोटल इनकम होती है जो डिफरेंट सेक्टर्स में लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी, उसको ऐड कर दिया, इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गई। अब हमें पढ़ना है सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड है कंजप्शन मेथड। कंजप्शन मतलब यूज़ करना, किसी चीज़ को यूज़ कर लेना। इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, ठीक है। तो मतलब कुछ खर्च हो रहा है वैसा वैसा कुछ इसमें आएगा। तो सबसे पहले तो इनकम क्या होता है आपको वो पता होनी चाहिए। इनकम क्या हुई, सैलरी जो मैंने आपको बताया, आपको कहीं से भी कुछ पैसा आ रहा है, ज़रूरी नहीं जॉब से, बिजनेस से या कहीं से भी। तो आपके पास जब पैसा होता है या तो आप उसको खर्च करते हो या आप उसको सेव करते हो, या तो स्पेंड करते हो या सेव करते हो, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो अब जो कंजप्शन मेथड है ये इसी वाले जो लॉ पे बेस्ड है, या तो खर्चा हो रहा है या सेविंग हो रही है। मतलब टोटल नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है थ्रू कंजप्शन मेथड तो आपको ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल कंजप्शन प्लस टोटल सेविंग्स। खर्चा कितना किया, बचाया कितना, दोनों को ऐड कर लिया, नेशनल इनकम आ गई, ठीक है। तो एक तरह से सेम सेम ही है कुछ इनकम और कंजप्शन मेथड, राइट। अब थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा है प्रोडक्ट मेथड। ये थोड़ा सा हमेशा ही हमें ट्रिकी लगता है, समझ नहीं आता, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला सा बताया, तो मैंने सीधे कहानियाँ नहीं लिखी, सीधे फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में किसी भी एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी क्या वैल्यू है, नकद वैल्यू क्या है, वो लिखती, ठीक है। गुड्स आपको पता है सामान, प्रोडक्शन होती है, चाहे एग्रीकल्चर की है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, शैम्पू है, दवाइयां हैं, बॉटल्स हैं, कुछ भी है, वो आ गया आपके गुड्स में। सर्विसिंग, सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसिंग होती है सेवाएं देना, जैसे ट्रांसपोर्ट बसेज हैं अपनी सेवाएं देती हैं, कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल की आप बात करें ये हमें सेवाएं देती हैं, रियल एस्टेट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये हमें सर्विसेज देती हैं, कोई प्रोडक्ट थोड़ी देती है। बैंक आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी देगा कि हाँ जी ये लो सामान, वो तो आपको पैसे देगा ना, मतलब आप वहाँ पैसे रखोगे आपको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा, मतलब आपको सर्विस दे रहा है, आपको सेवा दे रहा है। अब बसेज हैं, वो आपको कोई पैसा थोड़ी देती है या फिर कोई प्रोडक्ट थोड़ी देती है कि हाँ जी ये लो, नहीं, आपको सेवाएं देती हैं, आपकी एक जगह से आपको दूसरी जगह ले जाती है, आप उनको पैसे देते हो, दैट्स इट। तो ये होगी सर्विसिंग। चलिए हम थोड़ा डेप्थ में चले गए। एक साल में एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी नकद वैल्यू क्या है, वो प्लस नेट इनकम अर्नड इन फॉरेन बाउंड्रीज बाय इट्स नेशनल्स। अब मान लीजिए हम इंडिया की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो जो भी इंडियंस जो फॉरेन बाउंड्रीज में जाके रह रहे हैं, मतलब फॉरेन में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, ब्राज़ील में रह रहे हैं, इजिप्ट में रह रहे हैं, वहाँ जाके जो वो पैसा कमा रहे हैं और फिर वो अपने देश में भेज रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भेज रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं, अपने भाई बहनों, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो यहाँ पे वो पैसा ऐड हो रहा है हमारे बैंक्स में, तो उनकी इनकम को भी हमने इसमें ऐड करना है। प्रोडक्शन तो हमने की कि बाहर से जो पैसा आया वो भी ऐड किया, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई प्रिंटिंग प्रेस की, आपकी प्रिंटिंग प्रेस है आपका, वहाँ पे आप मशीनरीज यूज़ कर रहे हो हर साल, उस मशीनरी की वैल्यू तो कम हो रही है ना क्योंकि वो घिस रही है, वेयर एंड टीयर लॉस समझे पड़े होंगे आपने, तो उसके वो चीज़ यूज़ हो रही है, आपकी मशीनरी यूज़ हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो हम जो है डेप्रिसिएशन में
लिखते हैं, मतलब कितनी वैल्यू कम हुई, 10% हुई, 5% हुई, 20% हुई, 30% हुई, कितनी हुई, ठीक है, उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं और ये हमारा जो कैलकुलेट होके आता है एंड में उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड, राइट। सो डेप्रिसिएशन का भी एक अलग ही दुनिया है, आप डेप्रिसिएशन पढ़ने बैठेंगे बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बट हम यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जस्ट ओवरव्यू लेना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोडक्ट मेथड भी समझ आ गया हो, तीन मेथड्स हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन सा मेथड यूज़ होता है। जी इंडिया में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड का और इनकम मेथड का, मतलब कंसेप्शन मेथड नहीं यूज़ करना, बाकी जो दो बच गए उन दोनों को यूज़ करना, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं इंडिया की नेशनल इनकम। सो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने तीन मेथड्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े हमने मेथड्स, इनकम मेथड, कंसेप्शन मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप मुझे बताइए, मैं आपका डाउट फिर से क्लियर करूंगी, बेशक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हम इकोनॉमिक्स की एक पूरी मैंने एक सीरीज़ बनाई है कि मुझे पूरा इकोनॉमिक्स कवर करना है, तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करूं। बहुत डेप्थ में तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, सो दैट जल्दी से जल्दी आपके भी बेसिक्स जो हैं इकोनॉमिक्स के वो कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ना सब बच्चे डरते हैं, मुझे खुद भी डर लगता था, बट क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ चुकी हूँ इकोनॉमिक्स, तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर करूँ। एंड दैट्स इट गाइस, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसे कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।